दिखाने आ रहे हैं कपिल एज कॉमनवेल्थ का मैनेजर विद कविता एज चाइनीज एंड तड़का कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। घपले की लत मोहे ऐसी लागी के की मैंने मनमानी। एक दिन में दौलत कमा ली इतनी जितनी सारी उम्र थी ना कमानी। कैलाश साहब ये कंपोजिशन आपने भी गाई है ना? मुझे पता है ये वैसे बनाई मैंने थी। हाँ क्योंकि आपने तो अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले गाई है ना। हाँ मेरे को तो कम से कम 15 दिन हो गए बनाए हुए। वैसे शेखर साहब आपने आपने भी सुनी होगी ये कंपोजिशन। अर्चना जी आपने भी कॉमनवेल्थ के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ सुना। माँ कसम हर चीज सुन के बैठे हुए ये लोग। हम लोग तैयार करके ले आते हैं ये लोग पहले ही सुने तो हमारे पंच नहीं फूटते फिर। वैसे शेखर साहब इस बार जो कॉमनवेल्थ हो रहे ना उसका मैनेजर मैं हूँ, मुझे अपॉइंट किया सरकार ने। और जितनी भी सारी विदेशी लड़कियों की सप्लाई सॉरी साला एक तो पहले वाला बिजनेस दिमाग से नहीं निकलता। शेखर साहब इस बार जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं सबको लाने ले जाने का जिम्मा मेरा है। और इस बार भी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे ना मैं ही लेने आया हूँ खिलाड़ियों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉमनवेल्थ तो दिल्ली में हो रहे हैं मुंबई में क्यों लेने आया। अब 10 मिनट के एक्ट के लिए कौन दिल्ली जाए। और आपको एक बात बताऊँ जिस खिलाड़ी को लेने आया ना मैं इधर आज वो चाइना से आ रही है, आई नहीं अभी तक फ्लाइट एक्चुअली। वेलकम मैडम, वेलकम 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 मैडम, आप ही की वेट कर रहा था मैडम। वेलकम, और कैसी हैं आप? बेड़ा घर किसका, जब हिंदी में बोलती थी तब बातें समझ में नहीं आती थी, आज तो चाइनीज बोल रही है। ओ मैडम डू यू नो अपना हिंदी? हिंदी हिंदी यस थोड़ा 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 ठीक है मैडम। वैसे भी ज्यादा बोलने के लिए हमने शेखर साहब को रखा है। सॉरी सर। वैसे मैडम आने में कोई तकलीफ वगैरह? नहीं 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 आपने तो नहीं दी किसी को। ओ मैडम जान पहचान तो होती रहेगी, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी, एक आध बैग मार लीजिए। फिर क्या हुआ? No, I don't drink alcohol, no. बिल्कुल नहीं शराब पीती आप? No, no, no. पानी पिला दूं? पानी किधर से लेके आऊं? पानी क्यों लेने जाना, जादू किस लिए सीखा है इसी को मैं ना। एक सेकंड मैडम, फिर नहीं पियेंगे अल्कोहल आप? No. ठीक है फिर। ऐसे ही सेलिब्रिटी नहीं बनता बंदा। ओह यू मैजिक मैन, तुम कौन है? ओ मैडम मैं इस बार की कॉमनवेल्थ गेम का मैनेजर हूँ मैडम जी। ओह ही इज दैट मैन जो सबका पैसा खा जाता है। ओ नहीं मैडम, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है, पैसा तो खाया मैडम परसों माड़ी साहब ने। ओह गॉड इट्स नॉट परसों माड़ी, इट्स कल माड़ी, कल माड़ी। ओ मैडम कल हो या परसों हो मैडम जितना भी पैसा कमा लो छोड़ के तो इधर जाना है। क्यों शेखर साहब? ठीक बोलता है। वैसे मुझे लगता है दैट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि तुम ज्यादा बोलते हो। मैडम ज्यादा ही बोलूंगा, राइटर मेरा दोस्त है, ज्यादा लाइनें मुझे देता मैं तो ज्यादा बोलूंगा ही। खैर मैडम हम लोग लेट हो रहे हैं, आपके लिए ऑटो बुलाता हूं। ऑटो? वन सेकंड, इतना बड़ा खिलाड़ी के लिए ऑटो? मैं ऑटो में नहीं जाएगा। अच्छा ऑटो पसंद नहीं है? नो। चलो ठीक है फिर ऑटो बुला लेते हैं। ऑटो मैडम ये है डांसर ही आज ऑटो वाला बन गया है। तो देश ही ऐसा एक्चुअली, यहाँ पे आदमी होता कुछ और है करता कुछ और है। अब आप शेखर जी को ले लीजिए, नहीं मतलब इतने अच्छे सिंगर हैं खामखा जज बन के बैठे हुए हैं। नहीं वैसे मैडम आइए बैठिए, छोड़ू सामान उठा चल जल्दी कर। ये क्या बदतमीजी कर रहा है? सामान उठा दे रहा हूँ कह रहा हूँ। अबे ऐसे सामान के सामने ये सामान कौन उठाएगा यार? साले बदतमीजी मत कर, मेहमान है हमारी चाइना से आई वो। चाइना से तुझे महिला हट रहे? चला मेरे को तो पहले भारतीय भी चाइना से लगती थी, चला बाद में पता चला ये पंजाब से। क्या गारंटी है कि ये चाइनीज है? चाइनीज माल की भी तो गारंटी होती है। बेवकूफ आदमी ये
कॉमनवेल्थ गेमों में हिस्सा लेने आई है। अच्छा अच्छा, वैसे भी चाइनीज लड़कियां मेरे को पसंद नहीं है, रशियन ही थे। साले मैं तेरा ग्राहक क्योंकि तू मेरा ग्राहक है। अच्छा चलो ना साहब, फिर ऑटो में चलते हैं ना। चलो चलो मैडम, आओ बकवास कर बदतमीज, चलो ऑटो चलाओ इधर, चलो ऑटो में बैठे, चलो आओ मैडम। ये तुमने रखा इधर, क्या करें ये की था। चलो मैडम, चलिए मैडम बैठे ऑटो में, बैठे चलिए चलिए चलिए। क्या हो गया मेरे भाई? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या यार? यही वाला जादू करवाना था क्या मुझसे? साला पहले बोलते मैं पठान बन के आता। बकवास मत कर, चलो ऑटो चलाओ, बैठो। ऑटो इधर बनाते हैं, इधर बना लो। चलो मैडम बैठिए। ओके ओके, इधर हो जाओ, ब्लॉक हो रहे थोड़ा, इधर हो जाओ। ओके ओके, बैठिए। चलो भाई, अब इधर जाने का हिसाब, इधर किधर भी ले चलो, इधर कनॉट प्लेस ले चलो, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस। अच्छा एक मिनट, तेरी बहन की आंख साले। साले लड़की को लेने मुंबई एयरपोर्ट पे आए, मेरे को दिल्ली लेके जा रहा है, येड़ा समझा जाए क्या? कनॉट प्लेस जाएगा, तेरा दिमाग खराब है साले। ये बात, ये लड़की पूछे तो समझ में भी आती है, तूने 300 एक्ट कर लिए कॉमेडी के, तू लॉजिक क्यों दे रहा है? नहीं मत करो, ऑटो चलो, फास्ट चलो, फास्ट। मैडम सॉरी मैडम, तेरे ना थप्पड़ मारूंगा, तेरे पहले दो मारूंगा। साली पिछली सीट पे बैठी, गिर आगे जा रही थी। अर्चना जी, ऑटो साले से चलाया नहीं जा रहा, चैनल वालों ने अलग से शो दिया चलाने को। चलो छोड़ो मैडम, आप ये बताओ आप कौन सा खेल खेलने आई हो? हम यहाँ शूटिंग के लिए आया है। शूटिंग में तो सारे आए, खेल कौन सा खेलना है? ओ शूटिंग मतलब निशानेबाजी करने आए हम, निशानेबाजी। ओके क्या बात है, निशानेबाजी। चाइनीज लोग बहुत छाने लेते हैं, साले छोटी छोटी आंखों से इतने लंबे लंबे निशाने मारते हैं, इसीलिए शेखर जी इन लोग की आबादी बहुत बढ़ गई है। ओ शट अप यू, आबादी बड़ा करने के लिए आंख छोटा होने का कोई जरूरत नहीं, उसके लिए तो तो साले चीनी लोग नॉन वेज बड़ा पसंद करते हैं। अरे साहब साहब, मेरे को भी खेल में लो ना साहब। तू कौन सा खेल खेलता साले? क्या जुआ नहीं है क्या कॉमनवेल्थ में? ऑटो चला साले। अरे साहब मैं क्या जुआ खेलता हूँ, सब लोग हार जाते हैं मेरे सामने। अच्छा कल ही अर्चना जी आई थी, पूरी पेमेंट हार गई 3,500। कौन है 3,000 रुपए हार गई? अच्छा तो ये करती हो, घर जाके परमीत को कहती पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट नहीं मिलती। बड़ी चलाव हो है। One second, I'm very confused. ये जुए का खेल में क्या लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना साला, ये बात जाके पाकिस्तानी क्रिकेटर को बोल, साले ऐसे खिलाड़ी हैं, टॉस का सिक्का भी टोकन समझ के रख लेते हैं। बकवास मत करे, चल गाड़ी होटल की तरफ मोड़ ले। क्या बात है साहब, होटल। निशानेबाज ये शिकार पे आप जा रहे ले हो। बकवास मत करे। ये हाँ, ये मलाड का होटल आगे साहब, लगे रहो होटल। लगे रहो होटल। कितने पैसे हो गए तेरे? 250 रुपए साहब। 250 रुपया? ये 250 रुपए ऐसा बोल रहा छाने, मैं छोटा मोटा ऑटो वाला नहीं हूँ, बहुत बड़ी फैमिली से हूँ मैं। साले छाने, मैंने गोविंदा को अपना मामा रखे ले। देखता है कमाल हो गया मैडम,
हमारे शो इतने फेमस उधर? यस यस। कॉमेडी सर्कस कैसा लगता है? व्हाट कॉमेडी सर्कस? वो चाइना में नहीं आता, नेवर हर्ड ऑफ इट, नेवर। कॉमेडी सर्कस नहीं आता चाइना में? नो नो। तेरी माँ का हक्का नूडल। इसका शो आता है हमारा का डीडी वन पे आता है, हमारा क्यों नहीं देखा? और तू एक बात बता, 250-250 रुपए कमा रहा है, जब तू इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, साले उधर शो को शुरू करने की क्या जरूरत थी तेरे को? यार शो हमारा शो नहीं देखा तूने? ये शौक के तौर पे किया है यार, थोड़ा शौक के तौर पे किया। साले शौक तेरा था, भुगत सारा देश रहा है। साले नहीं बोलने का, तू क्या घूम रही है चिंकी पांडी? सोना बेबी टेंशन लो, इधर आओ। ओके। मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियों के बारे में बताता हूँ। हाँ, यस, ये देखिए, ये हमारा स्विमिंग पूल है। पर इसमें तो पानी नहीं है। पानी पता नहीं मैडम, पहली बार करवा रहे हैं, नॉलेज नहीं इतनी। ओह यू इडियट, स्विमिंग करने के लिए उसमें पानी होना मांगता है। अच्छा yes. देखेंगे मैडम, अगर 9 बजे तक पानी आ गया ठीक है, नहीं तो फिर 100 मीटर की दौड़ करवा देंगे इधर। तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, रुट पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। आवाज छोटे, आवाज छोटे, कॉमनवेल्थ गेम यही हो रही है? ए, ये कोमल सी हेल्थ लेके कौन सी कॉमनवेल्थ खेलने आए तू? मतलब क्या, जवान लोग खेल नहीं खेल सकते? मनाइए क्या? वन सेकेंड, ये कहां से जवान है? दिखा तो देता मैडम। लेकिन क्या है कि ये कॉस्ट्यूम पहनने में बहुत टाइम लगा है हमको। हमारी याददाश्त ही कमजोर हो चुकी है यार। याददाश्त नहीं, तुम खुद भी बहुत कमजोर है, यू ओल्ड मैन। कमजोरी से याद आया भैया, हम पाकिस्तान से याद आप। पाकिस्तान? बुड्ढे साले, अब कौन सा खेल खेलने आए हमारे साथ? तुमको क्या लगता है पाकिस्तान वाले सिर्फ खेल ही खेलने आते हैं? अरे हम भागने में बहुत तेज हैं। और मुझे पता है बड़े तेज हो भागने में, हम लोग कारगिल में देख चुके तुम्हारी करतूत। अरे आमा मियां, हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। हाँ हम ऐसे भागते हैं, हम ऐसे भागते हैं। कैसे? अरे अभी लाहौर में बम फटा था, हम ऐसे भागे, ऐसे भागे। किसने फोड़ा बम? अरे हमारी जेब से गिर गया था कम्बखत। शुक्र मनाओ कि फटा नहीं। बम क्यों नहीं फटा? चाइनीज होगा मैडम। उनका वैसे भी अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं बनाते, इन्होंने तो देश हमसे लेके बनाया हुआ मैडम। आमा मियां, ये लड़की की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये चाइना से है। शक्ल? साले उधर मैप बना हुआ कात। ये बता इधर करने क्या आया तू? आमा मियां, हम कवाल हैं और दो चार गाने लिखे थे हमने कॉमनवेल्थ के ऊपर। कॉमनवेल्थ के ऊपर लिखे गाने? हाँ जी, सुना रहे हैं। साले जो हमने 5 करोड़ रुपया दे के कॉमनवेल्थ का गाना कैलाश खेर से गवाया वो। कैलाश खेर? अरे हमने तो सुना था AR रहमान से गवाया। गवाया तो AR रहमान से ही, लेकिन अब जो सामने बंदा बैठा उसकी तारीफ करेंगे, उसकी जो मद्रास में बैठा हुआ है। क्या साले मुन्नी मुन्नी हमारी यही तो कमजोरी है हमारी, हम लोग आपस में लगे रहते हैं, चाइना साला फायदा उठा लेता है इस चीज का। अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं देख सकता। बाय, चाओ सायोनारा, बाय। तो जा, दफा हो जा जाके। वैसे चाचा, हाँ मियां, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। ये लड़की जाते जाते एक बात सही बोल के गई है। क्या बात? यार हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ आप मिलके कसम खाते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और तुम तो करना ही मत बुड्ढे, मार बड़ी पड़ेगी तुझे जितनी तेरी उम्र है। ठीक है, अब इसी बात पे फिर दो चार कवाली गा लेते हैं मियां। वो भी हम गाएं, वो क्या गोद भराई की रस्म में आए हुए हैं? आप गा दो कैलाश साहब, आप गा दो यार एक आध गाना। खैर साहब जरा जल्दी गा लो, क्योंकि अगर शेखर जी ने गाना शुरू कर दिया ना फिर हम रोक नहीं पाएंगे। अर्चना जी, कैसी लगी इनकी केमिस्ट्री? कपिल, आप और कृष्णा दोनों को इतना सारा प्यार, यू हैव बोथ डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड कविता, एज द चाइनीज गर्ल यू आर जस्ट सुपर्ब, ब्रिलियंटली रिटन, माइंड ब्लोइंगली परफॉर्म्ड, एंड इट्स जस्ट टेकन माय ब्रेथ अवे।
एंड आई जस्ट लव यू गाइस। इस एक्ट के दावेदार आप कृष्णा और कपिल दोनों हैं, पर मैं एक बहुत अनयूजुअल सी बात कहना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट ज़रा भी कविता की तरफ नहीं था, और बावजूद उसके कविता ने अपने किरदार को इतना सटीक निभाया कि आप लोग एक्ट करते रहे लेकिन निगाहें वहाँ से नहीं हटी, बिकॉज यू नो शी हैड नथिंग टू से एंड येट शी मेड हर प्रेजेंस फेल्ट, नाउ दैट्स द मार्क ऑफ अ ट्रू एक्ट्रेस। एंड कृष्णा, कॉमेडी सर्कस का ये स्टेज आपके लिए तरस रहा था और इट वाज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक एक्ट। कैलाश जी, मैंने आप लोगों की तारीफ भी सुनी है, आपका ये एक्ट भी देखा है, किस प्रकार से आपने ह्यूमर को और व्यंग को इतने प्यार से परोस दिया है, वाओ, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही गजब लगा। थैंक यू। अब स्कोर्स की बारी, अर्चना जी, फ्लाइंग स्कोर्स। इस एक्ट के लिए आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव द जादू का पिटारा अलॉन्ग विद दिस। टेन पॉइंट्स। शेखर जी, टू ऑल थ्री। टेन